Hey guys, this is Gaurav Vadva and I hope कि आप लोग अपने घर पे हैं, एकदम सेफ हैं, बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं. एंड आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल है. उस टॉपिक का नाम है मेक स्पेस फॉर वेलनेस. या एक ग्रेट इनिशिएटिव मेक स्पेस फॉर वेलनेस बाय गोदरेज इंटीरियर. जैसा कि आप सब लोगों को पता है, लॉकडाउन है एंड प्रेशर भी है काम का, चाहे वो घर का काम हो या फिर ऑफिस का, है ना. एंड हम में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. जैसा कि आप लोगों को पता है, आप में से बहुत सारे लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं. एंड जब हम लोग घर से काम करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं जो हमें देनी चाहिए. एंड रिसेंटली मैंने एक सीरीज देखी थी, दैट इज मेक स्पेस फॉर वेलनेस बाय गोदरेज इंटीरियर. एंड उन्होंने एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट की मदद से कुछ ऐसी टिप्स बताई जो काफी तो मुझे पता थी, लेकिन काफी सारी मुझे नहीं पता थी. एंड जब मैंने वो सीरीज देखी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, अपनी ऑडियंस से शेयर करूं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो ये वीडियो देखते हैं मेरा. एंड मैं चाहता हूं कि उनमें से जो भी लोग घर पे काम कर रहे हैं उनको थोड़ी तो मदद मिले इस इन्फॉर्मेशन से. सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो जरूर देखना. सो आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा जो मैंने काफी सारे दूसरों से सीखे हैं एंड कुछ मैंने गोदरेज इंटीरियर से सीखे हैं. एंड जो मेरे अपने हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये टिप्स सुने एंड इनको अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में. सो लेट्स स्टार्ट. सो टिप नंबर वन इज डांसिंग और एनी फिजिकल एक्सरसाइज. मेरी फेवरेट डांस है, इसलिए मैं डांस बहुत करता हूं. और इसकी खास बात यह, जरूरी नहीं कि आप अच्छा डांस करें, आप बाराती डांस भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, टिप नंबर टू इज ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर. जी हाँ, पानी पीते रहना चाहिए, वो उतना ही जरूरी है जितना इंस्टाग्राम और फोन. मजाक कर रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है. सो पानी पीते रहिए, मिनिमम 3 लीटर्स अ डे. टिप नंबर 3 इज ब्रेक तो बनता है यार. यानी कि आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए जब भी हम लोग घर से काम करते हैं, चाहे वो छोटे छोटे ब्रेक हो. सो ब्रेक लेना मत भूलिएगा. टिप नंबर 4, स्लीप वेल एंड ऑन टाइम. यस, हम लोगों को टाइम पे सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, जिससे हम सुबह जल्दी उठ सके एंड हमारे पास पूरा दिन हो काम करने का. इंटरेस्ट में गाइज, आपको बहुत फ्रेश फील होगा जब हम अपनी कंप्लीट नींद लेके उठें. टिप नंबर 5, डोंट इग्नोर मेंटल हेल्थ. यस, जब भी आप सुबह उठे हैं, कोशिश कीजिए कि आप स्पीकर पे थोड़ी सी वॉल्यूम में कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ग्रूवी सा फील होगा, बहुत फ्रेश फील होगा. एंड काम पे जब आप बैठेंगे तो बहुत फ्रेश बैठेंगे, बहुत मजा आएगा काम करने में. टिप नंबर 6, वॉच सम गुड एंड एंटरटेनिंग कंटेंट. ये बहुत जरूरी है ना, आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन हैं कंटेंट देखने के लिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग जाके कुछ भी अच्छा एंटरटेनिंग देख सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है. घर में काम कर करके ना कर करके हम कुछ और ही बन जाएंगे. सो आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी आपको टाइम मिले आफ्टर वर्क, 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा, आप कोई अच्छी सी मूवी देख लीजिए, कोई कॉमेडी वीडियोस देख लीजिए या मेरे वीडियोस देख लीजिए. बहुत सारे चैनल्स हैं आप लोगों के पास देखने के लिए, लेकिन इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, बहुत अच्छा फील होता है. सो गाइस, ये थी मेरी इंपॉर्टेंट 6 टिप्स एंड आई होप कि आप लोगों को मदद करें. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली.